मूवी जो है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे है, इट्स अ कंसेप्ट अबाउट चाइल्ड प्रोटेक्शन, जो इन्होंने दिखाया कि बच्चों को कैसे विदेशों में स्टेट से प्रोटेक्शन होता है, वो रानी मुखर्जी ने दिखाया। एक रियल केस था कुछ साल पहले जिसमें वो एक कस्टडी देते हैं किसी को अपने उसके नाना नानी, इधर इन्होंने दिखाया कि वो पैसे के लालच में, तो मतलब ठीक है, स्टोरी इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, जो बाहर की सेटिंग है। रानी मुखर्जी की एक्टिंग कैसी लगी? रानी मुखर्जी अच्छी लग रही थी इमीडिएटली जब स्टार्टिंग में दिखाया, तो जैसे वो शी इज़ ऑलवेज बीन यू नो बिग नेम इन इंडियन सिनेमा, तो एकदम तो लगा कि भैया अब तो ये काफ़ी हेल्दी दिख रही है, आउट ऑफ शेप, बट फिर ठीक है बाकी, मतलब शी इज़ अलग हटके एक स्टोरी है, रियल फैमिली रियल लाइफ से टच करती है। रानी मुखर्जी ने एक वाकई जो हम फॉरेन कंट्री जाते हैं हमारे को इंटरेस्ट होता है कि हमारे बच्चों का कैरियर बन जाएगा, ऐसा भी होता है कैरियर, आँख खोल के दिखाया। थैंक यू, 10 of 10, बहुत अच्छी मूवी है। रानी मुखर्जी हमेशा की तरह जो उनकी USP है, बेस्ट एक्टिंग करती हैं, और एक लंबे समय बाद बोलते हैं ना कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है, वही क्वालिटी ऑफ एक्टिंग रानी मुखर्जी ने दोबारा दिखाई है। आई विल गिव 4 out of 5 फॉर रानी मुखर्जी। भाई फिल्म ज़रूर देखिए ये वाली मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, क्योंकि ये एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है, और इस फिल्म में सबसे कमाल का काम मुझे रानी मुखर्जी का तो लगा ही, साथ में तो जिम सार्प की एक्टिंग है वो बहुत अच्छी है, और जितने भी इसमें किरदार हैं जिनके छोटे छोटे रोल हैं, जैसे सरप्राइजिंगली नीना गुप्ता जी हैं, और जो इनके हस्बैंड बने उन्होंने क्या नेगेटिव किरदार जो किया है, सो ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया है, और फिल्म कम और रियलिटी ज़्यादा लगती है, ये 4 star। अच्छी लगी रानी मुखर्जी की एक्टिंग, सुपर, 5 में से 4, बहुत अच्छी मूवी है, सबके लिए देखने लायक फिल्म, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत कनेक्ट कर पाई फिल्म को। फिल्म में खास जो लगा, एक मदर और एक जो बच्चों का जो बॉन्ड है वो बहुत खास है फिल्म में, जो ज़्यादातर मदर हैं वो ज़्यादातर कनेक्ट कर पाएंगे इस फिल्म को। रेटिंग 5 में से 4.5। भाई बहुत अच्छी लगी यार मूवी रानी मुखर्जी की, कमबैक यार, मज़ा आ गया मूवी देखने में, कोई सी भी एक ऐसा पल नहीं था जहां ये कुछ कमी लग रही हो, एक एक पल इतना खास था मूवी में, कैसे वो अपने बच्चों के लिए लड़ती हैं नॉर्वे से, इंडियन गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करती हैं, केसेस कैसे इंडिया में लड़ती हैं, हर चीज़ देखने में बहुत मज़ा आया।